माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में पर्यावरण संरक्षण के कार्यकर्ताओं ने महादेवन पातालेश्वर मंदिर स्थित तालाब में साफ सफाई कर चलाया स्वच्छता अभियान। आपको बता दें, कानपुर दक्षिण क्षेत्र गंगापुर केडीए कॉलोनी स्थित महादेवन पातालेश्वर मंदिर प्रांगण के अंतर्गत वर्षों पुराने तालाब के सुंदरीकरण के चलते फैली गंदगी के तहत चलाया गया यह स्वच्छता अभियान। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7 बजे से पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के प्रमुख हरियाणा प्रांत के सह संयोजक श्री भगवान जी ने की। आपको बता दें कि स्वच्छता अभियान में कानपुर दक्षिण पर्यावरण संरक्षण संयोजक मुकेश मिश्रा, गोपाल तिवारी, सुनील तिवारी, वार्ड 95 के युवा पार्षद प्रशांत शुक्ला, सरस्वती विद्या मंदिर के प्रबंधक अजय पांडे, राजेश तिवारी, जितेंद्र ओझा, प्रकाश मिश्रा, एस एन पांडे, संजय तिवारी, अन्य पदाधिकारियों व सामाजिक लोगों ने श्री भगवान जी के साथ महादेवन स्थित मंदिर में बने तालाब में पड़ी पॉलीथीन कूड़ा कचरा साफ करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। सर, आज जो यह अभियान चलाया गया है स्वच्छता अभियान, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वास्तव में समाज की सबसे बड़ी समस्या इस टाइम गंदगी का सबसे बड़ा ढेर बनने के पीछे एकमात्र और एकमेव कारण है, वो है पॉलीथीन। उस पॉलीथीन को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, किस प्रकार से अपने गली मोहल्ले, अपने देवस्थान, अपने तालाब, अपने घर को पॉलीथीन मुक्त किया जा सकता है, उसके अभियान के निमित्त आज से हम 15 दिन के लिए आगामी इस प्रकार का अभियान चलाने वाले हैं। उसके लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन, विभिन्न प्रकार के जन जागरण के कार्यक्रम हम सब मिलकर के करेंगे। आज ये कानपुर दक्षिण में जो महादेवन मंदिर है, काफ़ी पुराना तालाब था और आज इसका सुंदरीकरण हो चुका है काफ़ी हद तक, और अभी कार्य चल रहा है। और यहाँ पर जैसे कि आज आप लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया है, यहाँ के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जिस प्रकार के यहाँ के लोगों ने इनिशिएटिव लिया, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे कानपुर जनपद से निवेदन करूंगा, शहर और गांव मिला करके, कि जिस प्रकार से इस तालाब का नवीनीकरण करके इसको जीवित करने का प्रयत्न हुआ है, ऐसा हर गांव प्रयत्न करे और निश्चित रूप से जो हमारी तालाबों के द्वारा हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार और हमारे अनेकों प्रकार के पर्यावरण संरक्षण के संदेश जो मिलते थे वो यहाँ से शुरू हुए हैं। आपका पूरा परिचय सर? है जी, आपका पूरा? मेरा नाम श्री भगवान है। मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के नाते से राष्ट्रीय एजुकेशन विंग जो हमारा है, शिक्षण संस्थान, उसका प्रमुख हूँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट कई बार पॉलीथीन बंद करी, उसमें अमल नहीं होता है, तो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के द्वारा मैं कहना चाहूँगा, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि पब्लिक में अवेयरनेस फैला के, जब पब्लिक ही उसको यूज करना बंद कर देगी तो अपने आप गवर्नमेंट बंद करेगी। उसके लिए एक तैयारी बना देते हैं, जब गवर्नमेंट पब्लिक ओपिनियन जो होती है, पब्लिक जब चाह लेगी कि हमको नहीं यूज करना है, तो धीमे धीमे अपने आप पॉलीथीन की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, हम अपना यूज करना बंद कर देंगे। तो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का यही एक ध्येय है कि हम पब्लिक में इतनी अवेयरनेस फैला दें कि आदमी पॉलीथीन यूज करना बंद कर दें। ये मैं चाहता हूँ।